हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और अपने सभी गणों के साथ निवास करते हैं। केवल हिंदू ही नहीं बल्कि जैन और बौद्ध धर्म की भी कैलाश पर्वत से कई आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है जो इतनी सारी मान्यताओं के बावजूद भी कैलाश से 2000 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तो लोग चढ़ाई कर जाते हैं, लेकिन माउंट कैलाश का शिखर आज भी अछूता है, जिस पर आज तक किसी मानव के कदम नहीं पड़ पाए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर साक्षात भगवान शिव का वास है, जिसका सबसे बड़ा सबूत इस ओम पर्वत को माना जाता है, जिस पर बर्फ के जमाव से साल भर ओम की आकृति बिल्कुल स्पष्ट देखी जा सकती है। और इसी वजह से यह मान्यता है कि किसी भी जीवित व्यक्ति का कैलाश की चोटी तक पहुंच पाना नामुमकिन है। इसके बावजूद भी साल 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिको ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की असफल कोशिश की थी, और यदि उनके अनुभवों की माने तो माउंट कैलाश पर बहुत अधिक मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव है, साथ ही बहुत ही अधिक रेडियो एक्टिविटी भी मौजूद है, जिस वजह से लोगों को यहाँ दिशा भ्रम होने लगता है। यहाँ इंसानी दिमाग के साथ साथ कंपास भी ठीक से काम नहीं कर पाते। लोगों के बदन में जकड़न और ऐठन होने के साथ साथ बहुत अधिक बेचैनी महसूस होने लगती है, और जैसे जैसे माउंट कैलाश से इनकी दूरी बढ़ती जाती है, मैग्नेटिक फील्ड का असर कम होने के साथ ही सब कुछ वापस सामान्य हो जाता है। इतना ही नहीं, इन पर्वतारोहियों ने सबसे चकित करने वाली जो बात बताई उसे सुनकर आपका दिमाग भी हिल जाएगा। इन्होंने बताया कि कैलाश पर समय कई गुना तेज हो जाता है। इस बात का अनुभव उन्होंने खुद किया था कि उनके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ गए जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए थे। शरीर मुरझाने लगा और सभी के चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगा था। 29,000 फीट ऊंचा होने के बावजूद भी एवरेस्ट पर चढ़ाई करना आसान है, लेकिन चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश की चोटी तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसी मुश्किल चट्टाने कि चढ़ने में बड़े से बड़ा पर्वतारोही भी अपने घुटने टेक देता है। हर साल लाखों लोग कैलाश की परिक्रमा लगाने आते हैं, लेकिन कैलाश के शिखर पर चढ़ाई न कर पाने की बात आज तक रहस्य बनी हुई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, और ऐसी ही अनोखी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और रहस्यमयी जानकारी के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय महाकाल।